हेलो क्लास, कल अपन ने स्टार्ट किया टॉपिक हाउ टू ड्रॉ पिक्चर। हाउ ड्रॉ पिक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था इवन नंबर की टीमों को फिक्स करना, आज हम पढ़ेंगे ऑड नंबर की टीमों को फिक्स करना। बट सबसे पहले ये जो फॉर्मूलाज हैं ये पूरे नॉकआउट टूर्नामेंट में काम आएंगे, जैसे कि इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इसके अलावा सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, कॉन्सोलेशन, तो सभी के लिए ये बेसिक है, बेस यही रहेगा। तो फॉर्मूला तो हमें लर्न करने पड़ेंगे और बाकी फॉर्मूला के बिहार हम लोग क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लेंगे। कल हमने इवन नंबर लिया था, आज हम ऑड नंबर की कोई टीम लेंगे। जैसे सपोज दैट नंबर ऑफ टीम हम लेते हैं 13। ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ टीम ली 13। तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जब रहेगा नंबर ऑफ मैचेस काउंट करना। तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है एन माइनस वन। एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को, नंबर ऑफ मैचेस एन माइनस वन, 13 माइनस वन देन 12 मैचेस होंगे। उसके बाद में हमें करना क्या है, नंबर ऑफ टीम कितनी 13। तो दूसरे पेज पे, एक पेज पे थ्योरी चलेगी, दूसरे पेज पे प्रैक्टिकल, नंबर ऑफ टीम 13 मेंशन कर दो। एंड 13, अब इन टीमों को डिवाइड करना है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में। तो टीमों को डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला अपर पार्ट के लिए है इवन नंबर हो तो, ऑड नंबर हो तो, लोअर पार्ट के लिए इवन एंड ऑड। हमारे पास नंबर टीम ऑड नंबर है तो फॉर्मूला अप्लाई होंगे एन प्लस वन अपॉन टू एंड एन माइनस वन अपॉन टू। तो सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे अपर हाफ के लिए, अपर हाफ नंबर ऑफ टीम, अपर हाफ नंबर ऑफ टीम कितनी रहे, फॉर्मूला है एन प्लस वन अपॉन टू, इट मीन 13 प्लस वन अपॉन टू, इट मीन 14 अपॉन टू 17। सेम हियर, लोअर हाफ नंबर ऑफ टीम एन माइनस वन अपॉन टू, 13 माइनस वन अपॉन टू 12 अपॉन टू 16। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टीम 13 थी जिसको हमने डिवाइड किया है अपर हाफ में 17 एंड लोअर हाफ में 16, 1 2 3 4 5 6 7 अपर हाफ एंड 1 2 3 4 5 6 दैट इज लोअर हाफ। After the step is power of 2. Okay, what is power of 2? It is 2 की power. Power of 2. Power of 2 में हमें करना क्या है? Number of team की या तो equal digit लेंगे हम या उसे जस्ट अगला digit. तो number of team हमारे पास है 13. We have number of team 13. तो power of 2 जब तक जाएगी, जब तक number of team के equal digit या उसे जस्ट अगला digit हमें नहीं मिलता है. 2 multiply 2. It is 4. Multiply 2. 8 multiply 2. 16. 16 13 से जस्ट आगे है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। पावर ऑफ टू इज 16। द नेक्स्ट स्टेप इज हमें कितने स्टेप में या कितने अटेम्प्ट में राउंड हुआ है, 1 2 3 4, देन राउंड इज 4। अगला स्टेप आएगा आपका बाय का। बाय का फॉर्मूला क्या है? बाय होती क्या आपको बताया था, इट इज एडवांटेज, दोज गेट दिस एडवांटेज दे डायरेक्टली अप्रोच सेकेंड राउंड। तो बाय का फॉर्मूला है पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम। पावर ऑफ टू अपने पास में है 16 एंड नंबर ऑफ टीम अपने पास 13, देन बाय 3। अब हमें बाय को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली दोनों पार्ट में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास में अपर हाफ नंबर ऑफ बाय, फॉर्मूला है एन बी माइनस वन अपॉन टू। एन बी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ बाइस को, नंबर ऑफ बाइस है 3 माइनस वन अपॉन टू, 2 अपॉन टू 1 बाय। सेम हियर, लोअर हाफ नंबर ऑफ बाय, फॉर्मूला आएगा एन बी प्लस वन अपॉन टू। एन बी इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को, 3 प्लस वन अपॉन टू 4 अपॉन टू 2 बाय।
वी हैव टोटल नंबर ऑफ बायस 3, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पर पार्ट एंड लो ऑफ पार्ट मिली। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें जाएंगे, सबसे पहली बार दी जाएगी सबसे नीचे बाय 1, सेकंड सबसे टॉप पे बाय 2, थर्ड लाइन से जस्ट नीचे जो मिडल लाइन है उसके जस्ट नीचे बाय 3, एंड फोर्थ जस्ट ऊपर अगर होती तो, और फिर अगर ओवर डिमांड होती तो 1, 2, 3, 4 सेम यही सीक्वेंस रहेगा 5, 6, 7, 8, फिर ओवर डिमांड होती तो 9, 10, 11, 12 यही सीक्वेंस रिफ्लेक्ट होते रहेगा जब तक नंबर ऑफ बाइस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती है। नंबर ऑफ राउंड 4, ये फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में ये आगे जा चुके हैं ऑलरेडी, प्रमोट हो चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, तो इनको छोड़ देंगे, बाकी टीमों का मैच कंप्लीट हम करवा देंगे। 2 एंड 3 का, 4, 5 का, 6 एंड 7 का, ये पेयर बनाने हमें मैचेस कंप्लीट करने के लिए। अब 2 एंड 3 में मैच हुआ, 2 जीत गया, 4, 5 में 5 जीत गया, 6, 7 में 7 जीत गया, 9, 10 में 9 जीत गया, 11, 12 में 11 जीत गया। अगला राउंड का मैच होगा राउंड नंबर 2, 2 का एंड 1 का मैच हो गया, 5 का एंड 7 का मैच हो गया, ये 8 का एंड 9 का मैच हो गया, 11 का एंड 13 का मैच हो गया, यहाँ 1 जीता है, यहाँ 7 जीता है, यहाँ 3 एंड यहाँ 13। राउंड नंबर 3, 1 का एंड 7 का, 3 का एंड 13 का, सेम यह। राउंड नंबर 4, 1 जीतता है यहाँ पे, 13 जीतता है, 1 का एंड 13 का मैच हो गया, और फाइनली यहाँ पे 18 विनर होगी, जो भी आप रखना चाहते हैं। फॉर्मूलाज, थ्योरी, टैक्टिकल, मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई दिक्कत आई होगी, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, जो फॉर्मूलाज को लर्न करना है इवन नंबर एंड ऑड नंबर की टीमों के लिए, जब भी नंबर ऑफ टीमें रहेगी उनकी 2 फॉर्म होती है इवन एंड ऑड, उनके फॉर्मूलाज हमने लिख दिए हैं। नंबर ऑफ टीम आएगी 13 आई या 10 आता है, जो भी आता है नंबर ऑफ टीम आपने मेंशन किया है, नंबर ऑफ टीम 13 मेंशन कर लिया है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ मैचेस एन माइनस 1, 13 माइनस 1, 12 मैचेस होंगे टोटल। अब वो अब मैं आपको काउंट कर देता हूँ, फर्स्ट मैच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, नंबर ऑफ मैचेस 12। इसके बाद हमने क्या किया है, अपर आपने नंबर ऑफ टीम को डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया नंबर ऑफ टीमों को, ये हो गया आपका अपर पार्ट और ये हो गया आपका लोअर पार्ट। उसके बाद पावर ऑफ 2 लिए, पावर ऑफ 2 की पावर होती है वो हम जब तक लेते हैं जब तक हमें नंबर ऑफ टीम के इक्वल डिजिट नहीं मिल जाता या उससे जस्ट अगला डिजिट नहीं मिल जाता। तो नंबर ऑफ टीम 13 है तो पावर ऑफ 2 क्या रहेगी, 2 मल्टीप्लाइड 2, 4 मल्टीप्लाइड 2, 8 मल्टीप्लाइड 2, 16। 16 से अगर पहले हम रुकते हैं 8 13 से कम है, सॉरी हमें कम पे नहीं रुकना है, हमें या तो इक्वल पे रुकना है या जस्ट उससे अगले डिजिट पे रुकना है। तो अगला डिजिट होगा हमारा 16, एंड 16 कितने डिजिट में आया, कितने अटेम्प्ट में आया, 1, 2, 3, 4, 4 अटेम्प्ट आया, तो राउंड कितने रहेंगे 4, बाय पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, बाय निकालने के लिए पावर ऑफ 2 में से नंबर ऑफ टीम को घटा देते हैं। तो पावर ऑफ 2 क्या है, 16 माइनस 13, 3 बाय। अब बाय को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, दिया फॉर्मूला। तो ये हमारा क्वेश्चन था।